अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए आसमास डायरी में से हाथ वाली सेवियों की रेसिपी लाई हूँ, जिन्हें पंजाबी सेवियाँ भी कहा जाता है और कोटे वाली सेवियाँ भी कहते हैं। चलिए अब इस आसान और जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। 1 कप हाथ वाली सेवियाँ, 2 इलायचियाँ, 3 चम्मच देसी घी, 1/2 कप चीनी, 2.5 कप गरम पानी। चलें अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सेवियों को आपने पहले बिना ऑयल के फ्राई करना है थोड़ी देर के लिए। मुझे ज़्यादा ब्राउन कलर पसंद नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा फ्राई किया। जब सेवियाँ फ्राई हो जाएं तो आपने उसमें 2.5 कप उबला हुआ पानी डाल देना है। अब चावलों की तरह आपने इसको बॉयल करना है और 80% तक कुक कर लेना है। 80% तक सेवियाँ कुक होने पर आपने पानी को ड्रेन कर देना है। अब आपने कढ़ाई में 3 चम्मच देसी घी के डालने हैं। देसी घी गर्म हो जाए तो आपने उसमें 2 इलायचियाँ डालकर उनको हल्का सा फ्राई कर लेना है। अब आपने चीनी शामिल करके उसमें 2 से 3 चम्मच पानी के डाल देने हैं ताकि हल्का सा शीरा बन जाए। अगर चीनी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो 1/2 कप पूरा डालेगा, नहीं तो 2 से 3 खाने के चम्मच आपने चीनी कम डालनी है। अब आपने सेवियाँ शीरे में डालकर हल्के चम्मच से आपने इसको मिक्स करना है। मीडियम आपने हीट पर इसको सेवियों को शीरे के साथ पका लेना है। शीरा ड्राई हो जाए तो आपकी सेवियाँ बिल्कुल रेडी हैं। आप अपनी मर्ज़ी से बादाम और किशमिश डालकर इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। शाम की चाय के लिए आसान और मज़ेदार हाथ वाली सेवियाँ तैयार हैं। ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।